आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपको कौन सा करियर या फिर बिजनेस चुनना चाहिए जिससे आप कभी भी किसी भी फील्ड में मात नहीं खाएंगे। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में, मैं हूं आपके साथ मेघार राधे राधे। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, इसके लिए कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, लेकिन कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको वो सफलता हासिल नहीं होती। और ज्योतिष कहता है कि व्यक्ति कौन सा व्यापार करेगा इसका जो संबंध होता है वो सीधे व्यक्ति की जन्म तारीख से होता है। अगर अभी तक आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, और इस वीडियो को देखकर आप भी पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपको कौन सा करियर चुनना ठीक रहेगा। 1, 10, 19 और 28, इन तारीखों पे जो लोग जन्म लेते हैं उनका जो अंक होता है वो एक होता है, और अंक एक के जातकों का जो स्वामी है वो सूर्य ग्रह है। वे जन्मजात नेता होते हैं और कभी भी वो किसी से हारते नहीं हैं, और हमेशा वो जोखिम लेने वाले होते हैं। उन्हें व्यवसाय और उत्कृष्ट बनना होता है। धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये सभी इन्हीं तारीखों के स्वामी हैं। इन नंबर वाले लोगों के लिए बिजनेस सबसे अच्छा करियर ऑप्शन रहता है, और ये किसी भी तरह के बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 में से कोई भी है तो आप अपने करियर ऑप्शन के लिए बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं जिनके जन्म की तारीख 2, 11, 20 और 29 है। ऐसे लोगों का अंक 2 होता है और इनका जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा कहलाता है। ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ये बहुत अच्छे लोगों से संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। इनके करियर ऑप्शन की बात करूं तो ये कला, अभिनय, फैशन डिजाइनिंग, यानी ऐसा कोई भी करियर जिसमें आपको क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, ये बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और लियोनार्डो डिकैप्रियो का जन्म भी इन्हीं तारीखों को हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिनकी जन्म की तारीख 3, 13, 21 और 30 है। इन तारीखों पर पैदा हुए लोगों का जो अंक है वो है 3, और इनके जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति। ये लोग स्वभाव से ना बहुत मजबूत होते हैं। 3 तारीख को जन्म लेने वाले लोग बैंकिंग और वित्त में बहुत ज्यादा सफल होते हैं, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से अगर आप जुड़ा कोई भी बिजनेस या कोई भी आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। 4, 14, 22 और 31, इन जन्म तारीखों की बात करूं तो इनका जो अंक है वो है 4। इन तारीखों पे जन्म लेने वाले लोग अद्वितीय माने जाते हैं, यानी उनके जैसा कोई नहीं होता। ये अपने जीवन में जोखिम उठाते हैं और गलत फैसले लेते हैं और खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। ये लोग सट्टा और जुआ का शिकार भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन इन तारीखों पे पैदा हुए लोगों को कला और अभिनय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जन्म तारीख 5, 15, 23, इसकी बात करें तो ये लोग अच्छे संचार कौशल और निर्णय लेने की योग्यता से भरे होते हैं, और इनका जो अंक होता है वो है 5। ये स्टॉक मार्केट में बहुत शानदार ट्रेडर बन सकते हैं। इनमें लोगों को आसानी से समझाने की ताकत होती है। दूसरी भाषा में कहें तो ये लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनको एक ठहराव वाली जो नौकरी होती है वो ना बहुत ज्यादा बोर करती है। ये हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते हैं जिस काम में जोखिम होता है। प्रौद्योगिकी, खेल, विपणन, ये क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जन्म तारीख 6, 15 और 24, इनका अंक 6 होता है और इनके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। ये लोग ना करिश्माई व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनके लिए आदर्श नौकरी होटल या फिर रेस्टोरेंट, मनोरंजन उद्योग में काम, ये इनमें से कोई भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इन्हें ग्लैमर और प्रसिद्धि, ये दोनों ही एक साथ चाहिए होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध सीधे तौर पर ग्लैमर से होता है। 7, 16 और 25, इन जन्म तारीख वाले लोगों की बात करें तो इनका जो स्वामी अंक है वो है 7। इनके पास ना एक अनूठी अभिनव और रचनात्मक क्षमता होती है जो इन्हें दूसरों से काफी अलग बनाती है, यानी ये आसान शब्दों में कहूं तो दूसरों से बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और इनमें हर तरह की मजबूती वाली क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ही काम करते हैं, यानी ये वो काम करते हैं जो कोई और नहीं करता। इन अंक वाले लोगों के लिए अनुसंधान संबंधी क्षेत्र बहुत ज्यादा अच्छा बताया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8, 17, 26, इन जन्म तारीख वाले लोगों की बात करते हैं। इनका जो अंक होता है वो 8 होता है और इनका स्वामी होते हैं शनिदेव। इन तारीखों पे जो लोग पैदा होते हैं ना उन्हें 35 वर्ष की आयु तक ना बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए देखा जाता है और बाद में ये बहुत प्रसिद्धि पाते हैं। स्वभाव से ये लोग काफी सरल और सीधे होते हैं। ये बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और थोड़ी सी भी ये मेहनत करते हैं तो ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इन्हें सफलता थोड़ा लेट मिलती है।
राजनीति, इस्पात और धातु उद्योग, रियल एस्टेट और फाइनेंस जैसे अगर क्षेत्रों में ये लोग काम करेंगे तो इन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। आखिर में बात करते हैं 9, 18, 27 इन जन्म तारीख पे जो लोग पैदा होते हैं ना उनका जो अंक स्वामी होता है वो है 9 और इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। इन तारीखों पे जो लोग पैदा होते हैं वो बेहतरीन खिलाड़ी बनते हैं और अगर ये अपने करियर ऑप्शन की बात करें तो इन्हें ना रक्षा, रसायन या फिर रियल स्टेट में जाना चाहिए। दोस्तों ये जानकारियाँ ना हमने अंक गणित के हिसाब से आपको बताई हैं। ये जानकारियाँ कितनी सटीक हैं इस बारे में चैनल कोई भी पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।